हाँ इसलिए किया था बिकॉज मुझे ये कैरेक्टर अच्छा लगा था, जो मुझे ब्रीफिंग मिली थी उसके अकॉर्डिंग मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा था। सो मैंने कहा कि ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा ग्रे जाके भी देखते हैं कैसा होता है। तो इसलिए मैंने इस कैरेक्टर को हाँ किया था बिकॉज बहुत चुलबुली सी है ये, छबीली तो है ही है एंड उसको कुछ भी करना अलाउड है तो एक फ्री स्पेस मिली है मुझे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड आगे भी मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इंडस्ट्री में बिकॉज आई एम लव एक्टिंग एंड दैट्स माई फर्स्ट पैशन। तो यस इसलिए मैंने हाँ किया, जैसा आता है मैं वैसा कर देती हूँ। ऐसे जबी को ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई यार मेरा। यू नो ये जो सेट है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, प्रोडक्शन ले लो आप, एवरीबडी इज़ जस्ट वेरी वेरी नाइस। मतलब मेरे को एक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं सबके रूम में मिलूँगी। सो मेरा फिक्स में ये है कि मैं किसी एक के पास होंगी, मेरा नताशा, रोहित, चिराग, भावन, एवरीबॉडी, यू नो अंकुर, अंकुर के साथ थोड़ा है बिकॉज हम लोग सेम सिटी से हैं, वो भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एक वो वार्म्थ वहाँ चला जाता है बिकॉज सेम सिटी मिलती है। तो बट मेरा सबसे बहुत अच्छा रिलेशन है, सब बहुत, मेरी रूममेट डॉली के साथ आए शेयर माई रूम, एवरीबॉडी इज़ वेरी स्वीट। ट्यूशन किया था अपना यहाँ से लाल लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सो उसके बाद आई गेव माई फर्स्ट ऑडिशन एंड एक्चुअली मैंने वो ऑडिशन जो दिया था अपने, मेरे एक नोन थे उनके यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे किसी से को बोला था कि यहाँ पे जाके ऑडिशन दो, जेन्युइन है। तो मैं वहाँ फंसी नहीं एक्चुअली, तो मेरे फर्स्ट ऑडिशन में मैं लॉक हो गई थी एंड मुझे बालकृष्णा मिल गया था, टचवुड। एंड उस शो के बाद मेरे को एक शो और मिला था महाकाली स्वास्थ्य स्काई एंड उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम था, ब्रेक था, तो मुझे एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने जो मेरा स्कूल फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि आर्टिस्ट कलेक्टिव अतुल मोगिया सर जो उनका जो है वर्कशॉप्स, तो वो एक बार कर, इट्स वेरी गुड। वो क्या है ना, वो स्पेस ऐसी है, वो आपको ऐसे ये नहीं कि आपको यू नो एक्टिंग कोई सबको सिखा नहीं सकता, यू नो द फैक्ट इज, बट वो स्पेस ऐसी है वहाँ पे आप अपने आप को यू नो यू गेट टू नो योर सेल्फ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एक्टर। आप खुद कैसे हो ना आपको भी नहीं पता है, वहाँ पे आप अपने आप को जानते हो। तो वहाँ पे उनका प्रोसीजर बहुत अच्छा है, तो मैंने 2018 में उनके साथ किया था वो वर्कशॉप एंड आई सॉ सच अ ब्यूटिफुल चेंज इन माई सेल्फ, माई लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, समझने का तरीका, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका, लाइफ में पीस और पेशेंस कैसे लानी है इतने स्ट्रेस के बाद, वो सब मैंने वहाँ से सीखा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट प्लेस। आई एम सो ग्रेटफुल टू अतुल सर कि उन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया, यू नो इट्स अ वेरी बिग हेल्प फॉर सो मेनी एक्टर्स। मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ यार एक बार वो वर्कशॉप करो प्लीज़ यार, एक इंसान के साथ काम करना है शाहरुख खान। तो आपने जवान मूवी देखी है? ऑफ कोर्स। कितना कैसा लगा आपको, क्योंकि शाहरुख सर ज़्यादातर हमें रोमांस में नज़र आए, इसमें वो इतने एक्शंस कर रहे हैं, तो वो कैसा लगा किरदारों का? बहुत अच्छा, मेरे बचपन से मुझे वो सिर्फ एक ही इंसान पसंद है, वो है शाहरुख खान। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, उनसे मोटिवेशन लेती रहती हूँ, मैं प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यूज़ देखती हूँ यार, वो शी इज़ लाइक बहुत अच्छा वो यू नो बोलते हैं हमेशा। सो हाँ मतलब जवान में देख के उनको डेफिनेटली लगा कि वाह यार यू नो कितने वर्सेटाइल एक्टर है, यू सी कहाँ से क्या, एंड डबल रोल एक फैन थी एंड डबल रोल एक जवान की। सो आई थिंक वो एक ऐसे बंदे हैं जो यू नो कभी बैक ऑफ नहीं करते हैं। तो मैं उस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि अरे फैन नहीं, मैं जवान करूँगा, डबल रोल करूँगा और हिट करूँगा एंड सी इट हैपेंड। तो शाहरुख सर का डायलॉग तो याद ही होगा आपको, तो एक बार बता दीजिए हमें भी। उनका एक वो डायलॉग था कि अरे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से तो पूछ लेते हैं।